हेलो दोस्तों so, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद बेसिक्स ऑफ अनरियल इंजन इन सी प्लस प्लस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर बट इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर होगी निखिल मालनकर डॉट कॉम के कोर्सेज सेक्शन में वहाँ पर जाके आप इस कोर्स के अंदर ऑप्टिन कर सकते हो एट दी एंड ऑफ दिस कोर्स आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा मेरी तरफ से जिसे आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो टू सिक्योर अ जॉब एंड मैंने ये भी चीज़ रियलाइज़ की है कि सिंस uh, हम लोग मुंबई के गिलीज बना रहे हैं काफ़ी सारी जो टैलेंट है वो अनरियल इंजन के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो होप यही है कि मैं आपको इस तरीके से ट्रेन कर पाऊँ जिससे आप अनरियल इंजन की नॉलेज ग्रास्प कर पाओ एंड आप अगर आपका काम अच्छा रहे तो प्रोबेबली हम भी आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं तो यार टू इन वन फ़ायदा है एकदम बढ़िया चीज़ है आप अनरियल इंजन सीखोगे भी एंड आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं दोस्तों अगर आपको अनरियल इंजन स्टार्ट करना है यूज़ करना तो फिर आपको सबसे पहले जाना है UnrealEngine.com इंजन डॉट कॉम के ऊपर वहाँ से आप एपिक गेम्स लॉन्चर को डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एपिक गेम्स का लोगो है उसके नीचे स्टोर लाइब्रेरी और अनरियल इंजन है आपको जाना है इसके लाइब्रेरी सेक्शन में यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी इंजन वर्जनस दिखेंगे माई प्रोजेक्ट्स दिखेंगे वॉल्ट दिखेगा वॉल्ट इस बेसिकली जो भी आप चीज़ें मार्केट प्लेस से खरीदते हो या ऐड करते हो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी माई प्रोजेक्ट सेक्शन में आप जो भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो वो यहाँ पर दिख जाएगा आप देख सकते हो मुंबई गलीस का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर है ओपन तो ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर और क्विकली आप नेविगेट कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंजिन वर्जन अब यहाँ पे आप मल्टीपल इंजन वर्जन डाल सकते हो आप ये ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इंजिन वर्जन है फोर पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू है फाइव पॉइंट जीरो पॉइंट टू है और फाइव पॉइंट टू पॉइंट वन है मैं आपको सिखाने वाला हूँ फाइव पॉइंट टू पॉइंट वन में तो अगर आप सीखना चाहते हो तो सेम वर्जन के ऊपर रहिए बिकॉज अगर आप आगे पीछे वाले वर्जन में हो तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें उसमें अवेलेबल हो उसमें अवेलेबल ना हो बट जो मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ जो प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ वो हर एक इंजन में सेम रहने वाले ऑफ कोर्स सिंटैक्स हो सकता है चेंज ऑफ कोर्स कुछ कुछ लाइब्रेरीज आगे पीछे हो सकती है बट जो मैं आपको कोर लॉजिक बताने वाला हूँ वो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको अच्छे तरीके से ग्रास्प करने आ जाएगा एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अनरियल रियल इंजन यूज़ करके कोई भी टाइप का गेम बना सकते हो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन वर्जनस को एक्सप्लेन करके मैं आपको रिकमेंड करूँगा फाइव पॉइंट जीरो और अबाव वाले वर्जन्स में रहिए बिकॉज उसके पहले के वर्जन्स में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यू नो कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकती है बिकॉज लाइब्रेरीज जो है अपडेट्स जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जनस के लिए ज़्यादा आ रहे हैं और धीरे धीरे अंड्रेल इंजन फोर वाले वर्जन्स है उनको उनका सपोर्ट जो है धीरे धीरे कम कर रहा है फ़ाइव पॉइंट जीरो एंड अबव वाले वर्जनस में ज़्यादा फोकस करेंगे वो तो अगर आपको मल्टीपल वर्जन्स डालने हैं सिंपली यहाँ पर एक प्लस बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपने हिसाब से कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो मैंने फ़िलहाल ऑलरेडी तीन वर्जन्स डाउनलोड कर रखे हैं और मैं सिखा रहा हूँ आपको ऑन फाइव पॉइंट टू पॉइंट वन सो मैं भी इसको लॉन्च करने वाला हूँ और दोस्तों अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है अगर आपको ईजी लग रहा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप पूरे कोर्स को कम्प्लीट कीजिए क्योंकि एज ए सेड एट दी एंड आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है साथ ही साथ आ, एक आ, सिंस हम लोग भी टैलेंट स्काउट कर रहे तो मैं आपको इसी तरीके से ट्रेन करने वाला हूं जिस हिसाब से हमको टैलेंट को हायर करना है तो मैं कर देता हूं उसको लॉन्च और ये अभी बैकग्राउंड में इसका एक लोड स्क्रीन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे वो मेरी सेकंड स्क्रीन पे है बट यहाँ पे आपको एक लोड स्क्रीन दिखा गया जब आपका प्रोजेक्ट लोड होता है तब और वो लोड स्क्रीन होने के बाद आपको एक अनरील प्रोजेक्ट ब्राउजर करके दिखेगा मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट के साथ तो इसकी वजह से मैं आपको जो भी चीज़ें हैं सी प्लस प्लस रिलेटेड सिखाऊँगा बट उसके पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि किस हिसाब से आप पाइपलाइन फॉलो कर सकते हो क्या प्रोसेसिस रहते हैं तो सबसे पहले आपको जब भी ये अनरियल प्रोजेक्ट ब्राउजर दिखेगा तो जाना है गेम्स वाले सेक्शन में और आप स्टार्ट कर सकते हो आइदर विद अ ब्लैंक फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन टॉप डाउन व्हीकल हैंडल्ड ए आर और वर्चुअल रियलिटी फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन आप सेट कर दीजिए यहाँ पे एक सिलेक्ट फोल्डर कर दिया और प्रोजेक्ट का एक नाम दे दीजिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अनरियल प्रैक्टिस ठीक है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं और ब्लू प्रिंट और सी प्लस प्लस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपको ब्लू प्रिंट में प्रोजेक्ट बनाना है या सी प्लस प्लस में सिंस मैं आपको सी प्लस प्लस में सिखाने वाला हूँ तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस में स्विच कर दिया है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप उनको ऐसे कैसे ही रहने दे सकते हो अब आप अगर चाहो तो स्टार्टर कंटेंट चेक मार्क कर सकते हो या फिर अगर चाहिए कि पूरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट फर्स्ट तीन चार ट्राई के लिए आप मैं जैसे कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे के वैसे करो स्टार्टर कंटेंट में थोड़ा सा लेकर रख रहा हूँ क्योंकि आगे पीछे थोड़े बहुत शेप्स वगैरह लगेंगे कुछ एसेट्स वगैरह लगेंगे तो अपने पास रेडी कॉन्टेंट रहेगा और मैं शुरुआत कर रहा हूँ थर्ड पर्सन मोड के साथ बिकॉज यू नो मेरे को थर्ड पर्सन गेम्स काफ़ी पसंद है आप चाहो तो फर्स्ट पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो ये मैं जो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू नो ट्विकिंग अराउंड थिंग्स तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो रिकमेंडेशन मेरा सिर्फ यही रहेगा कि एटलीस्ट पहले कुछ ट्यूटोरियल्स के लिए आप मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि आगे जाके आपको ग्रास करने में ईजी हो ओके okay? तो मैंने सिलेक्ट कर लिया एक थर्ड पर्सन प्रोजेक्ट गेम्स में मैंने किया था रीसेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रीसेंट प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा बट सिंस हम एक नया गेम बना रहे हैं तो इस वजह से मैं गेम्स में जाऊँगा वहाँ पर थर्ड पर्सन पर क्लिक करूँगा और जब भी मैं स्विच करता हूँ ये देखो दोस्तों जब भी मैं रिसेंट प्रोजेक्ट्स पर जाके गेम्स पर वापस आता हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो रीसेट हो जाता है तो मेरे को वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा थर्ड पर्सन वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा सी प्लस प्लस ये प्रोजेक्ट नेम और पाथ वो सेम रहता है बस आपका जो सिलेक्शन है चॉइस ऑफ टेम्पलेट वो रीसेट हो जाता है तो मेक श्योर करिए कि आप सही टेम्पलेट ओपन कर रहे हो और C++ सिलेक्टेड है क्योंकि वरना अगर आप नहीं करोगे तो बाई डिफॉल्ट ब्लू है और वो फिर बाद में पूरा अलग सिस्टम हो जाता है तो ये सब होने के बाद मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ और अभी ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा ओके तो बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलते रहेगा दोस्तों मेरा एक ही होप है ये पूरे ट्यूटोरियल के साथ कि मैं आपको प्रोडक्शन रेडी एन्वायरमेंट में जिस हिसाब से काम होता है जिस हिसाब से आप अपनी चीज़ें बना सकते हो मैं उसी हिसाब से आपको सिखाने वाला हूँ तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर इस स्क्रीन को बिल्कुल भी टच मत कीजिए बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है और आपके हार्डवेयर के हिसाब से लोड टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है तो आप बस यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर बने रहिए अगर आपकी हार्डवेयर स्लो है अगर आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन लो है तो फिर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने पीसी को अपग्रेड कर लीजिए अगर आपके एक के लिए ये पर्टिकुलर स्क्रीन बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रीज हो रही है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अनरिल इंजन अभी स्टार्ट हो गया है लेफ़्ट हैंड साइड वाली में जो जो स्क्रीन है वहाँ पे लोड स्क्रीन हो रही है तो आपको यहाँ पर एक लोड स्क्रीन ज़रूर दिखेगी बट uh, सिंस मेरा एक डुअल मॉनिटर वाला डिस सेटअप है तो कुछ रीज़न की वजह से मेरा मॉनिटर सेटअप प्रॉपर हुआ नहीं है इस वजह से सारी चीज़ें लेफ़्ट वाली स्क्रीन पे ही लोड हो रही है तो ये आपको कुछ इस हिसाब से ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा uh, इसको आप uh, पहले रीसेट कर सकते हो विंडो में जाके लोड लेआउट करके यू ई क्लासिक लेआउट के ऊपर क्लिक कर दीजिए uh, तो ये कुछ इस हिसाब से लगेगा एंड uh, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है ये आपका वर्क इन्वायरमेंट है ओके okay. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको रेडीली दिख जाएगी रेडीली मिल जाएगी आ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यू फोर से लेके यू फाइव में यूज़र इंटरफेस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है अगर आप यूनिटी गेम इंजन के अंदर आप गेम्स बनाते आए हो तो आपको ये इंटरफेस काफ़ी ईजी लगेगा नेविगेट करने के लिए पर थोड़े फंडामेंटल डिफ्रेंसेस है अब वो डिफरेंसेस क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पे एक्टर्स अगर आप यूनिटी के अंदर गेम्स बनाते हो तो वहाँ पे कुछ एक गेम ऑब्जेक्ट करके रहता है यहाँ पे जो भी आप चीज़ करते हो यहाँ पे एक्टर्स है राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यूनिटी के अंदर एक इंस्पेक्टर पैनल रहता है राइट right? तो ये अपना जो है यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल के बदले ये आपका हायरार मोड है हायरारकी इन द सेंस जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके प्लेस्ड है आपके सीन के अंदर वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अगर आपने यहाँ पे ये यह ब्लॉक को सिलेक्ट किया तो ये यह यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट होके एस एम शेम्फर क्यूब आ गया ठीक है और फिर यहाँ पे उसके नीचे ये जो स्क्रीन है आउटलाइनर उसी के नीचे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिटेल्स आ गए अब यहाँ पर डिटेल्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी अलग अलग कंपोनेंट्स है जैसे इसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है लोकेशन रोटेशन स्केल ट्रांसफॉर्म इन द सेंस एकदम सिंपल है ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसकी रोटेशन क्या है और वो कितना बड़ा है इसकी सारी डिटेल्स रहती है तो जैसे आप यहाँ पे से इसको मूव करोगे तो उस हिसाब से आपकी जो लोकेशन है वो चेंज होगी उसकी जो रोटेशन uh, है अगर आपने उसको रोटेट किया हो तो वो चेंज होगी अगर आपने इसको बड़ा छोटा किया तो वो चेंज होगा तो मैं इसको ईजीली मूव कर सकता हूँ और जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन में इसका जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रहा है मैं इसको अगर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो 2000 आप देखिए वाई में फ्लक्चुएशन आ रहा है ये वाली वैल्यू में ठीक है अगर मैं इसको रेड एक्सिस में मतलब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो एक्स वाले लोकेशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो जेड वाले पोजिशन में मतलब ये ब्लू वाले पोजिशन में चेंज हो रहा है अब मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि मैं अंडू कर सकूँ तो कंट्रोल जी एक शॉर्टकट है साथ ही साथ अगर आपको नेविगेशन चेंज करना है तो जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है राइट तो डब्ल्यू मैं दबाता हूँ तो ये मैं इसको मूव कर सक रहा हूँ फिर बाद में ई e अगर मैंने दबाया तो मैं इसको रोटेट कर पाऊँगा और किसी भी एक्सेस में रोटेट कर पाऊँगा जैसे आप देख सकते हो जैसे नॉर्मली होता है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि ये थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लो अंडू uh, कर देता हूँ फिर से और अगर मैंने आर दबाया तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ इन एनी एक्सेस ओके और मैं इसको वापस अंडू कर देता हूं अगर आपको यूनिफॉर्मली स्केल करना है तो सेंटर वाले पार्ट में जाइए और सेंटर वाले पार्ट को ड्रैग कीजिए कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये हो गया अब सेम चीज जो है वो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स uh, में भी कर सकते हो और ये जो प्रिंसिपल है इस हिसाब से आप नेविगेट कर पाओगे मान लेते हैं आप कहीं पे भटक गए बट आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको बस एफ दबाना है और एफ दबाते ही आप स्नैप हो जाओगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अब मैं आपको सी प्लस प्लस वाला पार्ट तो सिखाऊंगा ही डेफिनेटली सिखाऊंगा और इसी पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में सिखाऊंगा पर इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग कैरेक्टर को कैसे चलाना है वो सीखेंगे इनफैक्ट अगर मैं अभी के अभी प्ले कर दूँ तो अपने पास ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन कंट्रोलर है जो चल रहा है और कूद रहा है अभी दौड़ नहीं रहा है अगर मैं इसको शिफ्ट दबाऊँ तो दौड़ नहीं रहा है बट चल रहा है और आ, जंप मार रहा है ठीक है इसके अंदर हम लोग कुछ बिहेवियर्स ऐड करेंगे कोलिजन डिटेक्शन करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं तो ये तो मैं आ गया हूँ अभी प्ले मोड के अंदर अभी मैं एस्केप दबाता हूँ तो ये यहाँ से निकल जाएगा और शिफ्ट एफ वन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे मैं स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ तो ये निकल जाएगा अगर मेरे को बाहर आना है ऑल्ट पी करूँगा तो शिफ्ट एस्केप दबाना है शिफ्ट प्लस एस्केप ओके सो so मैंने अभी यहाँ पे प्ले कर दिया मान लेते यहाँ से मैंने प्ले कर दिया यहाँ पे अभी मेरा माउस गायब हो गया तो मैं अभी इसमें से बाहर आना चाहता हूँ तो आई हैव टू प्रेस शिफ्ट एस्केप इससे मेरा गेम आ, प्ले मोड में से बाहर आ गया है अब बात करते हैं थोड़े बहुत बेसिक्स की यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये आपके पास है समथिंग नोन एज द कांटेंट ब्राउजर कॉन्टेंट ब्राउजर कॉन्टेंट ब्राउजर के अंदर दो मेन चीजें हैं अब यहाँ पे आप देखो दो मेन फोल्डर है अगर आपने सी प्लस प्लस यूज किया है तो यहाँ पे आपको दो मेन फोल्डर्स दिखेंगे एक है आपका कंटेंट और एक है आपके सी प्लस प्लस क्लासेस ओके आपका जितना भी सी प्लस प्लस का काम है वो पूरा का पूरा होने वाला है इन योर सी प्लस प्लस क्लासेस ओके और यहाँ पे हम लोग ने ये बाई डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम है अनरियल प्रैक्टिस इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो आ, दो अपने को अपने को C++ क्लासेस मिलेंगे एक तो है अनरियल प्रैक्टिस कैरेक्टर और दूसरा है अनरियल प्रैक्टिस गेम मोड तो आपके प्रोजेक्ट नेम के हिसाब से ये आपको यहाँ पे कैरेक्टर और गेम मोड मिलेंगे और मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो गया है और विजुअल स्टूडियो के अंदर मैं देख सक रहा हूँ कि इसका एक बेसिक कोड भी लिखा हुआ है अब ये देख के शायद आप बौखला जाओगे कि यार अरे बापरे इतना एकदम यार मेट्रिक्स टाइप का कोड आ गया है क्या समझे क्या नहीं समझे समझ में नहीं आ रहा है पर दोस्त एकदम सिंपल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये चीज़ें इतनी सारी लिखी हुई है इसलिए आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज लग रहा होगा बट मैं आपको एकदम बेसिक से स्क्रैच से बताने वाला हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर क्लियर हो जाएगा सिंटैक्स के हिसाब से शायद अगर आपने यूनिटी यूज़ किया है तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि यार ये क्या बवाल है <laughs> बट यार मैं आपको बता दूँ एकदम सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड करना भी नहीं है खुद के लिए ठीक है तो मैं आपको एकदम बेसिक्स बताने वाला हूँ C++ के इसके अंदर कि कैसे आप सिंपल इफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हो सिंपल ऑब्जेक्ट्स uh, कैसे डिक्लेयर करने हैं फिर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं उतना मैं बता देता हूँ और फिर हम लोग uh, यहाँ पर इसको एंड करेंगे तो सबसे पहली चीज़ uh, मेरे को अगर कोई भी सी प्लस प्लस का क्लास बनाना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद एन एक्टर अब एक्टर क्या है एक्टर इज अ बेसिक गेम ऑब्जेक्ट अगर मैं एकदम पैर बोन्स इन एक्यूरेट लैंग्वेज में भी अगर भूलने जाओ तो ताकि uh, आपको समझ में आ जाए तो एक्टर इज़ मोर और लेस लाइक अ गेम ऑब्जेक्ट इस एक्टर के अंदर आप अपना बिहेवियर कोड कर सकते हो जो भी चीज़ें आप करोगे वो आपको एक्टर के अंदर करनी है ओके okay? तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा सिंपल सी चीज़ें सबसे पहले मैं एक सी प्लस प्लस क्लास बनाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे इसको एक पेरेंट क्लास सेलेक्ट करूंगा अलग अलग बहुत सारे दूसरे टाइप के वेरियंट क्लासेस भी है जो अपने को आगे जाके काम आएंगे बट फिलहाल अपने को ज़्यादा बर्डन नहीं करना है खुद को तो हम लोग एक सबसे बेसिक सिंपल एक्टर बेस क्लास ले लेते जो आप एक्चुअली बहुत बार यूज करने वाले हो इन दी एंटायर प्रोजेक्ट कोई भी टाइप का गेम बना रहे हो काफ़ी सारे एक्टर्स आप यूज़ करने वाले हो तो मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एक्टर मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट यहाँ पे आपको पब्लिक प्राइवेट डिपेंड करता है आप किस हिसाब से एक्टर बनाने वाला हो मैं फ़िलहाल इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ और मैं इसको एक माय एक्टर करके नाम देने वाला हूँ आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो और मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट क्लास कर दूँगा अब ही आप क्रिएट क्लास कर दोगे ये बैकग्राउंड में कोड ऐड कर देगा इन योर प्रोजेक्ट और ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर अगर आप अनरियल इंजन चला रहे हो तो डेफ़िनेटली यार आपको एक पावरफुल हार्डवेयर लगेगा और ये देखो बैकग्राउंड में यहाँ पे ये एक लाइव कोडिंग करके है वो स्टार्ट हो गया है और यहाँ जैसे ही ये लाइव कोडिंग सक्सेसफुल हो जाता है आपको अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे दिख जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगी तो यहाँ पे एक मैं इसको रीलोड कर देता हूँ अब आते हैं ये देखो चलो अनरियल कैरेक्टर प्रैक्टिस ये मैं बंद कर देता हूँ ये भी मैं बंद कर देता हूँ अब आते हैं सिर्फ फोकस करते अपने माय एक्टर क्लास के ऊपर कि एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी है ओके तो सबसे पहले आप देखो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लीन बहुत ही ज्यादा सिंपल है और कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सेम चीज़ आओगे यहाँ पे माय एक्टर दो चीज़ें हैं यहाँ पे एक माए एक्टर डॉट सी पी पी और माई एक्टर डॉट एच माई एक्टर डॉट एच जो है वो इसकी हेडर फाइल है इसका मतलब जो भी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है जो भी चीज़ें यहाँ पे बनानी है आपको वो सारी की सारी जाएगी माई एक्टर डॉट एच में और एक और चीज़ है जो मैं आपको बहुत अर्ली ऑन बता दे रहा हूँ बट आगे भी मैं इसको रिपीट करूँगा जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते जाएंगे जब कोई चीज़ आप यहाँ पे हेडर के अंदर ऐड कर रहे हो मान लेते आपने कैरेक्टर का कम्पोनेंट uh, ऐड किया या फिर uh, कोई शेप का कंपोनेंट ऐड किया और उसकी हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो तो जब भी आप कोई भी नया हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हो मेक श्योर sure करो कि वो माई एक्टर डॉट जनरेटेड डॉट एच या फिर कोई भी क्लास नेम डॉट जनरेटेड डॉट एच उसके पहले करो इसके बाद ये लाइन के बाद आठवीं लाइन पे कोई भी आपको इन हैश इनकलूड स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना है एंड आठवीं लाइन ही नहीं माई एक्टर डॉट जनरेटेड डॉट एच या फिर क्लास नेम डॉट जनरेटेड डॉट एच ये आपका सबसे लास्ट इंक्लूड स्टेटमेंट होना चाहिए दैट इज जस्ट हाउ इट इज उन्होंने इसी हिसाब से इंजन बनाई है ये कन्वेंशन है थोड़ी थोड़ी चीजें जो रहती है वो कन्वेंशन रहती है जो वैसी की वैसी रहती है और वैसी की वैसी ही फॉलो करनी रहती है ठीक है तो ये कन्वेंशन आपको फॉलो करना है एंड uh, यहाँ पे तो कोई ऐसा जनरेटेड डॉट एच नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी चीजें कहीं पर भी इंक्लूड uh, कर सकते हो बट टू बी ऑन अ सेफर साइड वी ऑलवेज इंक्लूड हैश इनक्लूड स्टेटमेंट इन साइड आर माई एक्टर डॉट एच ओके ये जो सी पी पी फाइल है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लीन रखनी है ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करनी है अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा इससे आपके एटलीस्ट बेसिक ऑफ सी प्लस थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं आता तो फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मतलब आप मान लेते हैं थोड़ा बहुत आता है आपको सी प्लस ठीक है तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल चीज़ करने वाला हूँ एक तो ये है कि मैं यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल बनाने वाला हूँ फ्लोट मान लेते हैं माय फ्लोट ठीक है float, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने डिफाइन कर दिया और मेरी एक आदत रहती है हमेशा जब भी मैं कोई कोड कंप्लीट करता हूँ तो एक फट से मैं कंट्रोल एस क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो सेव हो जाए और मेरे मन को शांति रहे कि यार मेरा कोड कहीं पर जा नहीं रहा अब ये मैंने माई फ्लोट यहाँ पर डिफाइन कर दिया अब देखिए ये जो सिंस मैंने माई फ्लोट यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको बोल सकता हूँ माई फ्लोट इज इक्वल टू वन ठीक है अब यहाँ पे आपने को तीन चीज़ें दिख रही है एक तो है अपना आ, एक ये जो आ, ए माई एक्टर ए माई एक्टर ओके ये आपका जो है इनिशलाइज होता है टू बेसिकली सेट वैल्यूज प्री सेट वैल्यूज़ फिर बाद में ये है बिगिन प्ले बिगिन प्ले हर बार कॉल होता है जब भी आपका गेम स्टार्ट हो रहा है और फिर बाद में है टिक टिक मतलब अगर आपने यूनिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर टिक इज़ एज गुड एज अपडेट मतलब ये, ये मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जब ये कोई मूवी देखते हो तो आपने शायद एक या फिर यू नो आपने शायद गेम्स खेले होंगे उसमें गेम की जो परफॉर्मेंस है उसको आप जज करते हो डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम्स पर सेकेंड दैट आर शोन मतलब जितना ज़्यादा स्मूथ फ्रेम्स पर सेकेंड होगा उतना ज़्यादा स्मूथ आपका परफॉर्मेंस होगा तो ये जो टिक वाला फंक्शन है वो एक्जैक्टली exactly वही करता है टिक जो है वो एक सेकेंड के अंदर डिपेंडिंग ऑन योर पी परफॉर्मेंस वो टिक उतने बार कॉल होता है तो मान लेते हैं आपकी जो सिस्टम है एकदम अच्छी खासी है स्मूथ परफॉर्मेंस दे रही है 60 एफ दे रही है तो ये जो टिक है वो एक सेकंड में 60 टाइम्स कॉल होगा मतलब आप कोई भी अगर इसके अंदर मैनिपुलेशन करते हो कुछ मान लेते हैं माई फ्लोट को अगर आपने बोला प्लस इज इक्वल टू वन ओके सो इन वन सेकेंड माई फ्लोट विल इंक्रीज बाई सिक्सटी टाइम्स इफ यू आर गेटिंग सिक्सटी एफ पी एस बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मेरे पी की परफॉर्मेंस अच्छी है साठ एफ दे रहा है तो ये जो मेरा फ्लोट है वो एक सेकेंड के अंदर उसकी वैल्यू सिक्सटी से बढ़ेगी ओके दैट इज़ हाउ इट इज़ बेसिकली ये जो टिक है उसका फंडा सिर्फ यही है और ये जो बिगिन प्ले है यहाँ पे आप इसकी वैल्यू इनिशलाइज कर सकते हो ये जो चीज़ है वो जब भी आप गेम स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे एक ही बार कॉल होगा या फिर जब भी आपका एक्टर स्पॉन होगा तो अब आप सोचो एक्टर स्पॉन ये क्या चीज़ है स्पॉन का मतलब है सिंपल प्रकट जब जैसी आपका एक्टर प्रकट होगा उस टाइम पे एक बार ये बिगिन प्ले कॉल होगा तो यहाँ पे आप चाहो तो बोल सकते हो कि माई फ्लोट इज इक्वल टू सिक्सटी बोल सकते हो कि जैसे मेरा गेम स्टार्ट होगा मेरे को चाहिए कि मेरा माई फ्लोट है उसका वैल्यू सिक्सटी होना चाहिए ओके okay? तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और सिंस हम लोग इसको फ्लोट बना रहे तो इसमें हमेशा एक जीरो पॉइंट या फिर पॉइंट जीरो एफ ये वर्ड ऐड कर देंगे ओके okay? क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है फ्लोट का मतलब डेसिमल इसमें आ जाता है जैसे इंट uh, रहता है उसके अंदर पॉइंट नहीं आता इंट के अंदर माई इंट अगर मैं करूँ तो ये माई इंट जो रहता है दैट इज सिंपली जस्ट माई इंट अगर मैं आपको बताऊँ माई इंट इज फाइव इसके अंदर आगे पॉइंट नहीं आता ठीक है तो ये सिंपल सा फंडा है अपने वेरिएबल्स uh, का आपने वेरिएबल को डिफाइन किया यहाँ पे और उसको यूज़ किया यहाँ पे डिफाइन होता है डॉट एच फाइल में यूज होता है डॉट सी पी पी फाइल में अब ये हो गया इतना मैं जाऊँगा अनरियल इंजन के ऊपर और मैं अभी इसको मैंने ये मैंने कोड तो लिख दिया है बट यहाँ पे अपने को कोई भी ऐसा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कोड जो लिखा है वो सही है कि गलत है तो अपने को अभी करना है कोड को कंपाइल तो कंपाइल का ऑप्शन कहाँ पर कंपाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो ये डिराइव डेटा यहाँ पे लिखा है ये जो है Uh, ये जो आपको ब्रिक्स दिख रहे हैं री कम्पाइल्स एंड रीलोड्स सी प्लस प्लस फॉर गेम सिस्टम्स ऑन द फ्लाई ओके तो ये आपको क्लिक करना है जैसे ही आप ये क्लिक करोगे यहाँ पे अनिल इंजन अपना कारोबार शुरू करेगा अपने जो भी कोड लिखा है वो सही है कि गलत है वो आपको बता देगा और लाइव कोडिंग सक्सीडेड मतलब अपन ने अब तक जो भी कोड लिखा है वो यार भगवान की कृपा से या फिर अपनी नॉलेज की कृपा से एकदम सही है ठीक है तो यहाँ पे मैं अभी इसको प्ले कर देता हूँ जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मैं जानता हूँ कि मेरा कोड सही चल रहा है बट मेरे को आपको दिखाने के लिए कुछ है नहीं ओके ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि यार हो क्या रहा है एक और चीज़ ये है कि हम लोग ने माए एक्टर में कोड लिखा तो है बट ये माया एक्टर हम लोग ने कहीं पर प्लेस नहीं किया है तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कर देता हूँ कि यार माया एक्टर को मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये देखो ये माया एक्टर यहाँ पे आ गया है आ, अपने को ये आउटलाइनर में भी माए एक्टर दिख गया है ओके और यहाँ पे भी आ गया हुआ दिख रहा है अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो मेरा माया एक्टर यहाँ पे है मैं अगर इसको सर्च करूँगा तो माई एक्टर यहाँ पे दिख रहा है बट स्टिल एज सच कोई फंक्शनैलिटी हुए हो, होते हुए दिख नहीं रही है मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं ये जो माई फ्लोट है इसको मैं प्लस वन कर रहा हूँ बट कहीं पर कहीं ना कहीं पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले कराना सिंपल है यहाँ पे हम वापस आते हैं माई एक्टर डॉट एच वाली फाइल में यहाँ पे आप देख सकते हो माई uh, फ्लोट करके हमने डिफाइन किया है और ये पब्लिक फंक्शन में ही है मतलब ये जो वेरिएबल है वो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं पर हम लोग इसको कहीं पे देख नहीं पा रहे हैं तो अगर मुझे इसको देखना है तो मेरे को इसकी जो ये जो प्रॉपर्टी है इसको एक्सपोज करना पड़ेगा तो यू प्रॉपर्टी इसका सिंटैक्स है यू प्रॉपर्टी एडिट एनी अब जैसे ही मैं ये चीज़ करूँगा यू प्रॉपर्टी एडिट एनी वेयर ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी ना आप देख सकते हो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा इसको मैंने फिर से सेव कर दिया कंट्रोल एस कर दिया है अनरियल इंजन के ऊपर जाऊँगा और इसको मैं कंपाइल कर दूँगा जैसे ही मैं इसको कंपाइल कर दिया ये जो मेरा वेरिएबल है जैसे ये सक्सीड होगा आप देख सकते हो ये माइफ फ्लोट करके है वो यहाँ पर आ गया है मेरे को यहाँ पर वन दिख रहा है ओके अब मैं कर देता हूँ इसको प्ले और मैं सिलेक्ट कर देता हूँ माई एक्टर और यहाँ पे आप देख सकते हो माई फ्लोट जो है धड़ाम से एकदम एक एक करके एवरी सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से ये अपने वो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये नंबर बढ़ रहा है ओके okay? तो ये हो गया अपना एकदम बेसिक लेवल का कोडिंग आगे जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं हम लोग सीखेंगे कि इस एक्टर के अंदर हम लोग मैश कैसे डाल सकते हैं मैश इन द सेंस आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आ, लंबा सा एक क्वार्टर का स्लाइस है ये सिलेंडर बन रखा है राइट और ये फिर यहाँ पे एक क्यूब uh, है तो अपने एक्टर के अंदर ये जो माय एक्टर हम लोग ने यहाँ पे प्लेस कर रखा है इसके अंदर हम लोग अलग अलग शेप्स कैसे डाल सकते हैं साउंड्स कैसे प्ले कर सकते हैं फिजिक्स uh, कैसे काम करता है कोलिजन कैसे काम कर सकता है ये सारी चीज़ें सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि सी प्लस प्लस के यूज़ uh, करके सी प्लस प्लस को यूज़ करके कैसे हम लोग चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे बेस्ड ऑन योर यू नीड टू इंस्टॉल एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स फॉर फुल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस तो ये इसको इंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि आपको एक इंटेलिजेंस uh, लगने वाला है uh, मतलब uh, बहुत बार ऐसे होता है कि यार ये आपने uh, चीज़ें लिख तो ली बट वो सही है कि नहीं है वो आप आज की तारीख में कोड एडिटर्स डायरेक्टली बता देते हैं तो जो भी आपको चीज़ें लगेगी इंस्टॉल करने के लिए तो इंस्टॉल कर दीजिए मैं भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दे रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है उसको येस कर दीजिए और धीरे धीरे ये बैकग्राउंड में आपके लिए डाउनलोड करते रहेगा ठीक है थीके? तो दोस्तों ये वाले जो ट्यूटोरियल है यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक्स बताने वाला था जो मैंने आपको बता दिया मैंने एक सिंपल सा एक्टर भी क्रिएट कर दिया है उसके ऊपर मैंने एक बेसिक्स सी प्लस प्लस की स्क्रिप्ट भी बना के रखी है और बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो और वो कैसे सी प्लस प्लस फाइल में सी पी पी फाइल में उसका यूज़ होता है हम लोग ने तीन फंक्शंस भी देखे हैं यहाँ पर वैल्यूज़ को डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट किया जाता है और फिर बाद में इनिशलाइज और फिर बाद में टिक फंक्शन भी देखा हम लोग जो एवरी सेकेंड एन नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस काम करता है अब सिंस ये मेरा बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है इस वजह से ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया बट uh, दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कोर्स में जो आप एनरोल करने वाले हो इसके अंदर मैं आपको ए टू जेड अन इंजन का बताने वाला हूँ एंड इसी हिसाब से आपको ट्रेन करूंगा जिस हिसाब से इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और हमारी भी रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो जाइए निखिल मालनकर डॉट कॉम के ऊपर वेबसाइट के ऊपर ये कोर्स अवेलेबल है एनरोल कर दीजिए अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो अगर आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोल हो गए हो तो ये पहला ही एपिसोड होने वाला है तो आप सही ट्रैक पर हो अगले एपिसोड में आपको मिलता हूँ दैट्सट फॉर दिस वीडियो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए अपने फेलो डेवलपर्स के साथ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकूँ एंड टूव देंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपके लिए सर्टिफिकेट भी अरेंज uh, करके दे दूंगा सो दैट्स एट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन चैप्टर टू